नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि की सरल पूजा विधि, साथ में कलश स्थापना की विधि भी आप लोग जानेंगे। शारदीय नवरात्रि 2024 में कब से प्रारंभ हो रही है, प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। नवरात्रि पूजा करने की संपूर्ण विधि बिल्कुल सरल रूप में और कम सामग्री में आप लोग पूजा कैसे करें, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आ जाता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 अक्टूबर को देर रात 12:19 पर और यह समाप्त होगी 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक। दूसरा अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:46 से लेकर 12:33 तक। यदि आप सुबह की मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आप दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आइए सरल पूजा विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि बहुत से बहनों का यह प्रश्न होता है कि क्या हम बिना व्रत किए कलश स्थापना, अखंड ज्योति या फिर ज्वारे बोना, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि यदि आपने चौकी नहीं लगाई है, चौकी आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या अपने घर के मंदिर में संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से आप जैसे भी पूजा करेंगे, माँ को पुकारेंगे, उनके चरणों में अपना शीश झुकाएंगे तो माँ आपकी पुकार जरूर सुनेंगी। आइए सरल पूजा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, चौकी स्थापना करने के लिए आप एक दिन पहले ही अपनी घर की जो है साफ़ सफाई कर लें, अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लें, मंदिर के जो पात्र हैं, वस्त्र हैं, वो सारे आप स्वच्छ कर लें और चौकी जब लगाना हो तो उसे आप नवरात्रि के प्रथम दिन ही सुबह के समय, मतलब प्रातःकाल अपनी चौकी लगाएं। जैसे चौकी एक दिन पहले आप ना लगाएं, बाकी सारी तैयारियां आप कर लें, सामग्री वगैरह सब आप इकट्ठा करके रख लें। अब आइए बात करती हूँ चौकी कैसे स्थापित करें। तो सुबह सवेरे आप उठें, अपने घर की जो दैनिक सफाई है उसे करें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। देखिए, 9 दिन के 9 रंग होते हैं, 9 वस्त्र होते हैं, वो सारा वीडियो मैंने दिया है। लेकिन आपके पास अगर 9 रंग के वस्त्र नहीं हैं तो प्रतिदिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे, इस तरह के रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना कर सकती हैं। काले वस्त्र पहनकर, नीले वस्त्र पहनकर आप पूजा अर्चना ना करें। तो स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, भगवान सूर्य देव जी को जल इत्यादि देने के बाद आप अपने घर के मंदिर के पास या फिर जहां भी आपने स्वच्छ जगह चुना है वहां पर आप चौकी लगाएं। लकड़ी की एक चौकी हो या फिर लकड़ी का कोई पाटा हो, लाल या पीला कपड़ा बिछा लें सबसे पहले। अब माँ का आप चित्र भी स्थापित कर सकते हैं, माँ की मूर्ति है तो मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, फोटो है, जो भी आपके पास है। माता दुर्गा जी का जो 9 स्वरूप होता है, माँ दुर्गा जी बीच में होती हैं और चारों तरफ माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूप की जो तस्वीर होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीर बहुत ही उत्तम होती है नवरात्रि पूजा के लिए। लेकिन आपके पास माता दुर्गा जी का 100वें स्वरूप का जो भी तस्वीर है आप स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले वस्त्र बिछाने के बाद आप जहाँ पर माता जी का चित्र आपको रखना है वहाँ थोड़ा सा अक्षत या पुष्प की पंखुड़ियाँ आप डाल दें आसन के स्वरूप में। वहाँ पर माता जी का चित्र स्थापित करें, माता जी को चुंदरी आप उढ़ा दें। अब बात आती है कलश की। तो कलश आप धातु का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का है तो आप नया लेना पड़ेगा आपको, और धातु का है तो जो आप प्रयोग करते आए हैं पूजा में आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के कलश में पहले से ही थोड़ा पानी भरकर जरूर रख दें, उसे धुलकर, जिससे कि जो अतिरिक्त पानी है वो सोख ले और जब आप जल भरें तो वो जल आपका सूखे नहीं। तो कलश के लिए आप सबसे पहले कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर स्वच्छ जल डालें। अब उस कलश के जल में आपको गांठ वाली हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, दूर्वा, पुष्प डालना चाहिए। सिक्का आप नॉर्मल भी ले सकते हैं और चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। नॉर्मल सिक्का है तो उसे पहले गंगा जल से आप थोड़ा सा धुलकर पवित्र कर लें। ये सब डालने के बाद अब आप कलश को आसन दें, चाहे अष्टदल कमल बनाएं, उसी चौकी पर चावल की चाहे आप छोटी सी ढेरी रख लें, उस पर आप कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर पंच पल्लव लगाएं, पंच पल्लव पर भी आप सिंदूर या रोली से चंदन या टीका आप लगा दें। कलश में आप मौली बांध दें, स्वास्तिक बना दें। अब कलश के ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी होती है। नारियल जटा वाला और पानी वाला नारियल होना चाहिए। नारियल पर पहले रोली से या सिंदूर से स्वास्तिक बना दें, उसके बाद आप उस पर कलावा बांध दें या फिर लाल चुंदरी जो आती है उसे आप लपेट सकते हैं। नारियल का जो मुख है
वो आपकी तरफ होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति पूजा करे उनकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कलश की स्थापना माँ के चित्र के दाईं तरफ करनी चाहिए। तो इस तरह से आपने कलश की स्थापना कर ली। अब आपको अखंड दीपक जलाना है, तो इसी समय आप अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक जलाने के लिए आप जहाँ पर दीपक रखेंगे, मतलब चौकी पर ही, आपको वहाँ भी आसन देना जरूरी होता है। तो चावल की ढेरी से आप आसन दे सकते हैं। तो आपने अखंड दीपक प्रज्वलित किया। अब आपको ज्वारे बोना है, तो ज्वारे बोने के लिए जो पात्र है उसको आप पहले स्वच्छ करें, उस पर स्वास्तिक बनाएं और मिट्टी डालकर आप ज्वारे बोएं। और ज्वारे जो आपने जिस पात्र में बोए हैं उस पात्र को रखने के लिए भी आपको आसन देना चाहिए। कभी भी पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ आपको ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए। चौकी पर जगह नहीं है तो अलग आप कोई छोटा सा पाटा या कपड़ा बिछाकर आप उस पर आसन लगाकर, चावल का ढेरी लगाकर या फिर स्वास्तिक बनाकर आप उस पर ज्वारे का जो पात्र है वो रख सकते हैं। ये सारे कार्य हो गए, अब आपको अपनी पूजा की शुरुआत करनी है। तो नैवेद्य जो है, भोग प्रसाद माता जी को जो भी अर्पित करना है वो आप व्यवस्था कर लें। 9 दिन के 9 भोग हैं, वो भी वीडियो मैंने दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो सारी व्यवस्था करने के बाद आप स्वयं आसन लगाकर बैठ जाएं। नवरात्रि की पूजा यदि आप लाल आसन पर बैठकर करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। पात्र में आप अलग से जल रखें, एक पात्र में अलग जल रखें देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए, नैवेद्य भोग प्रसाद को समर्पित करने के लिए, और दूसरा पात्र में जल रखें स्वयं आचमन करने के लिए। तो सबसे पहले 3 बार आचमन कर लें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, और उसके बाद आप हस्त प्रक्षालन कर लें, ओम ऋषिकेशाय नमः, और फिर ओम भूर्भुवस्व गायत्री मंत्र बोलकर आप स्वयं को पवित्र कर लें, या फिर पवित्रीकरण का मंत्र आपको आता है तो आप उसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपको अब पूजा अपनी शुरू करनी है। तो सबसे पहले सभी देवी देवताओं को आप स्नान कराएं। गणेश जी की स्थापना आप चित्र के रूप में भी कर सकते हैं, मूर्ति के रूप में भी, या फिर आप सुपारी से प्रतीकात्मक गणेश जी की स्थापना पान के पत्ते पर आसन लगाकर आप भगवान गणेश जी की स्थापना कर लें, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं, उनकी पूजा किए बिना हम पूजा की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप भगवान गणेश जी की वंदना करें, पूजा करें, दूर्वा सिंदूर पुष्प अक्षत उन्हें अर्पित करें। भगवान गणेश जी की वंदना करने के बाद आप अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, क्योंकि प्रथम दिन है तो हमें कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होता है और कलश की पूजा करनी होती है। तो कलश की पूजा आप चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, सिंदूर से, इस तरह से सब कुछ उन्हें अर्पित करके आप कलश में स्थापित सभी देवी देवता की पूजा करें। अब फिर आप नारियल की पूजा करें। नारियल जो कि माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उसे श्रीफल भी कहा जाता है, तो वहाँ पर भी आप अक्षत, रोली, चंदन, पुष्प से आप उनका पूजन कर लें। अब बारी आती है माता रानी की पूजा करने के लिए। तो सभी सुहागिन महिलाएँ माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। प्रतिदिन आपको सिंदूर अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान दें, माताएं बहनें पूजा करने से पहले अपने बालों को बांध लें, अपने सर को ढक लें दुपट्टे से या फिर साड़ी के आंचल से ढककर, और अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। मस्तक पर सिंदूर से या रोली से तिलक जरूर लगाएं। हाथों में चूड़ियां, मंगलसूत्र इत्यादि पहनकर ही सुहागिन महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब आप माता रानी के चरणों में थोड़ा सा जल छिड़क कर उन्हें स्नान कराएं। यदि मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। स्नान करा के स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद पोंछ कर उसके बाद उन्हें वस्त्र ओढ़ाएं। और यदि आप चित्र या फोटो रखी हैं तो आप सांकेतिक स्नान करा सकती हैं। उसके बाद माता रानी को आप सिंदूर अर्पित करें, रोली अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य जो भी आपने बनाया माता रानी के चरणों के पास आप रख दें, धूप प्रज्वलित करें। अखंड दीपक तो आपने जलाया ही है, आरती के लिए आपको बाद में दीपक जलाना होगा। अब इसी प्रकार से आप अखंड दीप की पूजा करें, ज्वारे जो आपने बोए हैं उनकी पूजा करें, मतलब समस्त जितनी भी सामग्री आपने स्थापित की है सबकी पूजा अर्चना कर लें। अब बात करती हूँ नवग्रह पूजा की। तो आप चाहें तो चावल की छोटी छोटी 9 स्थानों पर ढेरी लगाकर आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, इस तरह से प्रतिदिन आप नवग्रह का यह मंत्र या श्लोक बोलकर आप नवग्रह की पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब माता रानी के चरणों में पुष्प अक्षत सिंदूर नैवेद्य सब कुछ अर्पित करने के बाद, धूप प्रज्वलित करने के बाद अब बैठकर आपको पाठ करना चाहिए। यहाँ पर संकल्प जहाँ तक लेने की बात है तो पूजा के शुरुआत में व्रत यदि आप रखते हैं तो व्रत का आप संकल्प ले लें, या फिर कोई विशेष पाठ जैसे कि मान लीजिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप प्रतिदिन 7 पाठ या 11 पाठ करना चाहते हैं, इस तरह से संकल्प लेकर कोई पाठ करना चाहते हैं तो उसका आप संकल्प ले सकते हैं। और व्रत आप जिस प्रकार से रखना चाहें, 1 दिन का, 9 दिन का, या फिर पहला दिन, आखिरी दिन, तो आप प्रथम दिन इस चीज़ का संकल्प ले सकते हैं। तो ये सारे कार्य करने के बाद अब पाठ करना आपकी क्षमता के ऊपर है। चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चाहे तो माता रानी के 108 मंत्रों का जप करें, 32 नामों की माला का जप करें, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। वैसे चैनल पर प्रतिदिन आपको
दुर्गा सप्तशती के पाठ का वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ करने के बाद उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती करते समय आपके पूरे परिवार इकट्ठा होकर आरती करें तो ये बहुत ही शुभ होता है। आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रि में प्रत्येक दिन आपको अपने घर में अघियारी अंतिम में जरूर करनी चाहिए। गाय के उपले पर थोड़ा सा गुड़ और घी और हवन सामग्री मिलाकर, तिल मिलाकर आपको माता दुर्गा जी के मंत्रों से आहुति देकर आपको 5 बार 7 बार आहुति अवश्य कर लेनी चाहिए। तो ये है संपूर्ण पूजा। इसी प्रकार से आपको संध्या पूजन भी करना चाहिए। संध्या के समय फिर से आपको स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो सुबह के पुष्प इत्यादि हैं मुरझा गए हैं उन्हें हटाकर माता जी के चित्र को पोछ कर साफ़ करके पात्र जो हैं पूजा के उन्हें साफ़ करके आपको फिर से संध्या के समय माता जी को भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, धूप दीप प्रज्वलित करके माता जी की आरती करनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी आता है कि पाठ हमको सुबह करना चाहिए या फिर शाम को? तो यह आपकी पूरी तरह से समय के ऊपर निर्भर करता है। सुबह आपके पास समय है तो आप सुबह करें, नहीं समय मिलता है तो आप संध्या पूजन में करें। लेकिन प्रथम दिन जिस समय आपने पाठ को शुरू किया है प्रतिदिन उसी समय आप पाठ को करें। सुबह यदि आपने शुरू किया है तो प्रतिदिन सुबह करें, और संध्या के समय आपने शुरू किया तो आप प्रतिदिन संध्या के समय करें। कोई भी पाठ जब हम नियमित रूप से करते हैं तो उसका हमें एक समय बना लेना चाहिए। ये नहीं है कि जब भी हमें समय मिल गया तब हमने कर लिया। तो इस तरह से करने से उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है और उसका अच्छा फल, शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप प्रतिदिन माता रानी की पूजा अर्चना करें। और भी जानकारी की वीडियो आती रहेगी, आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।